झटके मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से। जी हाँ, अभी के लिए संस्कारी को किया गया नॉकआउट और कहीं समाप्त ना किया जाए जिस चीज का डर था। जी हाँ, कप्तान शैडो ने कर दिया है नॉकआउट और फिनिश, शुरुआत कर दी है जंग की। और फिलहाल के लिए देखना जरूर चाहेंगे कि वो दूसरे खिलाड़ी है बाकी सेम जैली, क्या वो भी पलटवार कर पाएंगे। लेकिन जी नहीं, शिन चैन का भी वो नॉकआउट लग रहा है। टीम एक्सपर्ट पहले से ही ठान रखी है कि अगर हो सकता है अगर रहेगा तो हम ही यहाँ पर जीत का जंग और जीत का जश्न बनाते नजर आएंगे। यहाँ से पहले से ही ठान रखा है, पहले से ही मान रखा है कि जीत के जाना है। ग्रैंड फाइनल की ये बैटल है तो आपको जल्दी क्वालिफिकेशन बनाना है। दो फिनिशेस ऑलरेडी खाते में आ चुके हैं और दूसरे छोर पे अगर हम बात करें, 8 बिट का स्क्वाड भी इंगेज करता हुआ ड्राइव कर दिया है वहां पे। मल्टीपल प्लेयर्स नजर आते हैं, आइकू सोल जोकर भी नजर आ रहे हैं। चलिए वहां पे एक दो प्लेयर्स को और डाउन किया गया है और सीरीज ऑफ नाइव्स देखने ये क्या बैक टू बैक चार प्लेयर को नाइव करके कंफर्मेशन किया गया। अदर साइड पे बात करें तो ये रही हमारी 8 बिट की फाइट होती हुई। फेरी पियर का इलाका रहता है यहाँ पे, 8 बिट का ये ड्रॉप है, काफ़ी अच्छे से इस ड्रॉप को डिफेंड करना आता है इन्हें। लेकिन फेरी पियर एक ऐसा ड्रॉप है ना जहाँ पे और भी टीम्स होती है, बट फिलहाल के लिए सामने एक चैलेंज है, काफी अच्छे से टैकल किया उस चैलेंज को। बहुत बढ़िया, और मुझे लग रहा है एक दोनों फाइट यहाँ से दिखाई जाए तो चलिए ऑन द 10 साइड जो फाइट चल रही थी फिलहाल काफी क्लोज रेंज की तरफ आदित्य जाएंगे पंप एक्शन के साथ समाप्त करेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात कि ड्रीम्स भी है सामने, ड्रीम्स भी है सामने वो खिलाड़ी जो एक अच्छा चैलेंज रख सकता है। लेकिन शायद उनको देखने के लिए पंपे पंपे माइटी निकालेंगे पंपे फाइट को। फेरी पेयर का कब टीम 8 बिट के पास सबसे पहली फाइट और सबसे पहले अर्ली एलिमिनेशन देखने को मिल रहा है। बट फिलहाल के लिए अगर यहां देखें तो कल के दिन पे भी एक अच्छी खासी फाइट हुई थी, वहां पे टीम गॉट दिखाया था, बट यहां पे टीम एक्सपर्ट बदला लेने के लिए आए सक्सेसफुली बदला लेते हुए। लेकिन यहां पे सिंप होल्ड कर रहे थे, ही वाज होल्डिंग द एंगल बट अनफॉर्चूनेटली ही गॉट टेकन डाउन। जेली आखिरी खिलाड़ी, एक प्लेयर को डाउन किया है, सारंग सामने से शॉट कनेक्ट हुआ है बट अनफॉर्चूनेटली इस बार सारंग का वो S12K का शॉट, दो प्लेयर डाउन हो गए थे। सारंग कनेक्ट होता तो शायद इवन स्टीवन हो सकता था, बट अभी के लिए